नमस्कार, सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राजनीति में कब कौन क्या बोलेगा और उसका क्या मायने होगा, ये देखने की बात हो। कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर भी रहे हैं, कॉन्सुलेट भी रहे हैं, कॉन्सुलेट जनरल भी रहे हैं, मणिशंकर अय्यर साहब। और मणिशंकर अय्यर साहब अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आपको याद होगा 2014 के चुनावों से पहले कांग्रेस के एक अधिवेशन में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए चाय वाला का बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि वो चाहे तो यहाँ आकर चाय बेच सकते हैं। वो तो चाय वाला बयान ऐसा हुआ कि कांग्रेस का सफाया हो गया 2014 के चुनाव में और नरेंद्र मोदी चाय वाला से देश के प्रधानमंत्री बन गए। उस दौरान उस इलेक्शन में सबसे बड़ा चर्चित कैंपेन रहा था चाय पर चर्चा, और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस चाय वाले बयान पर काफी बात की थी और देश भर में एक माहौल बन गया और कहा गया कि मणिशंकर अय्यर ने ये जो रिमार्क किया है, ये गंभीर टिप्पणी किया, वो ठीक नहीं। उसे एक बड़ा कारण माना गया कांग्रेस की हार का। वैसे बहुत सारे कारण थे लेकिन एक कारण माना गया। और उसके बाद एक बार और चर्चा हुई जब उन्होंने, जब प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी, उसके बाद उन्हें नीच व्यक्ति कहा था। हालांकि फिर मणिशंकर अय्यर ने सफाई भी दी थी कि वो, उनकी हिंदी ठीक नहीं है और वो कास्ट को लेकर बात कर रहे थे कि लोअर कास्ट है, नीच व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ। मणिशंकर अय्यर साहब को पाकिस्तान के समर्थकों के तौर पर भी बहुत बार देखा जाता रहा। वो पिछली बार पाकिस्तान यात्रा पर गए थे, तब भी उनके बयान और वहां पर जो उन्होंने बातचीत की उससे काफी हंगामा हुआ। अब है बातचीत नई, मणिशंकर अय्यर साहब की नई किताब आई है, मेमोयर्स ऑफ मैवरिक, यानी मनमोजी की यादगार। ये उनकी आत्मकथा है, हालांकि ये दो हिस्सों में है। उसका पहला हिस्सा आया है जो उनकी जिंदगी के 50 साल है। उन 50 सालों का जिक्र इस किताब में किया गया है, जिसमें नरसिम्हा राव की बात हुई है, राजीव गांधी की बात हुई है, गांधी परिवार की भी बात हुई है, पाकिस्तान को लेकर भी उनकी काफी बातचीत है कि पाकिस्तान में वो रहे, एक चैप्टर पूरा उस पर लिखा है। लेकिन ऐसे बयान भी, ऐसी बातें भी उसमें कही गई है जिससे राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है, नए तरीके का विवाद हो गया। उसमें एक बड़ी बात जो कही गई है वो है नरसिम्हा राव को लेकर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या के बाद, असैसिनेशन के बाद जब चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में नरसिम्हा राव को बाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। हालांकि वो उससे पहले अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर आंध्र प्रदेश जाने वाले थे, वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे, राज्यसभा में थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन नरसिम्हा राव और गांधी परिवार को लेकर नाराजगी जग जाहिर है। बार बार इस बात की चर्चा होती रही है कि गांधी परिवार नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करता था। इस बात की भी चर्चा हुई कि नरसिम्हा राव का जब निधन हो गया तो उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय ले जाने को लेकर भी विवाद हुआ। और फिर दिल्ली में वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कोई जो स्मारक है वो नहीं है। आंध्र प्रदेश में उनका स्मारक बनाया गया क्योंकि गांधी परिवार नहीं चाहता था कि उनका कोई भी स्मारक यहाँ बने। उनको लेकर तमाम बातें भी होती रही, विवाद भी होते रहे, और कहा गया कि सोनिया गांधी, गांधी परिवार के नरसिम्हा राव से रिश्ते अच्छे नहीं है। 1991 से 1998 तक जब सोनिया गांधी एक्टिव हुई उस समय तक नरसिम्हा राव से उनके रिश्तों में खटास ही बनी रही। अब इसको मोहर लगाइए मणिशंकर अय्यर साहब। मणिशंकर अय्यर साहब ने अपनी किताब में जो लिखा है उसमें कहा गया है कि नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रधानमंत्री कहना ठीक नहीं है। दरअसल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। ये क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। एक बात है बाबरी मस्जिद के ध्वंस की, जो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुआ 6 दिसंबर 1992 को, 1991 से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उसमें उनकी भूमिका को लेकर भी मणिशंकर अय्यर ने काफी टिप्पणी की है। और उनका मानना है कि बाबरी मस्जिद इसीलिए गिरी क्योंकि नरसिम्हा राव शायद ऐसा चाहते थे। कुछ बातों का भी जिक्र उन्होंने किया है कि वो मणिशंकर अय्यर को लेकर ये बात लगातार करते रहे थे। उन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर ने कि मैं जो धार्मिक
निरपेक्षता की बात, धर्म निरपेक्षता की बात, सेकुलरिज्म की बात करता था, वो नरसिम्हा राव को पसंद नहीं थी। और नरसिम्हा राव ने उन्हें कहा था कि मणिशंकर तुम नहीं समझते हो, ये जो देश है इंडिया जो है, भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो हिंदू देश है और यहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं चल सकता। इस बात का जिक्र नरसिम्हा राव ने मणिशंकर अय्यर से किया था और मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो मणिशंकर अय्यर ये बात नरसिम्हा राव के लिए कह रहे हैं। अब इसमें एक और बात जुड़ती है कि जब कल दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन हो रहा था, लॉन्च हो रहा था, वीर सांगवी साहब ने उसका लॉन्च कर रहे थे एंकर के तौर पर, कंपेयरर के तौर पर, उस समारोह में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी मौजूद थी। कुछ लोगों ने कहा कि क्या इसे सोनिया गांधी जी की या गांधी परिवार की सहमति माना जाए कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की इमेज को टार्निश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जाहिर है कि मणिशंकर अय्यर ने जो किताब है वो तो सोनिया गांधी जी से पूछ के नहीं लिखी होगी, लेकिन जब वो कार्यक्रम में आ रही हैं तो शायद ये बात मानी जा सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि उनको इस बात की जानकारी होगी कि उस किताब में क्या लिखा गया है और क्या इस बात का जिक्र होगा और सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में नरसिम्हा राव की इमेज पर इस तरह का लांछन लगाना क्या गांधी परिवार की सहमति माना जा सकता है। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के परिवार को, नरसिम्हा राव को लेकर जो रिश्ते थे उसको लेकर तो हमेशा चर्चा विवाद होते ही रही है। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि नरसिम्हा राव ने ही आर्थिक उदारीकरण को रास्ते पर देश को लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने इसका क्रेडिट, इसका श्रेय नरसिम्हा राव को ना जाए, इसलिए उन्होंने इसका नाम, इस क्रेडिट को मनमोहन सिंह के खाते में कर दिया जो उस वक्त वित्त मंत्री थे। तो क्या वित्त मंत्री किसी देश की आर्थिक नीति को बदल सकते हैं? ये सवाल भी बहुत सारे लोग करते रहे, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है कि वो खुद मनमौजी हैं, इसलिए जो मर्जी होती है वो करते हैं, जो मर्जी होती है वो लिखते हैं, उन्होंने कहा। और इसी बिहेवियर की वजह से, उनकी इस कैरेक्टर की वजह से, यानी उनका जो पर्सनैलिटी है मनमौजी की, उसकी वजह से उन्हें राजनीति में कई बार नुकसान उठाना पड़ा, कई बार फायदा भी। ऐसा नहीं है कि इस किताब में सिर्फ नरसिम्हा राव की आलोचना की है, यूं तो मणिशंकर अय्यर साहब ने इस किताब में राजीव गांधी की भी आलोचना की है और कहा है कि शिलान्यास किया गया था राम मंदिर का, जो शिलान्यास था राम जन्मभूमि में, वो शिलान्यास किया गया था राजीव गांधी के वक्त में, वो गलत था, वो फैसला राजीव गांधी का गलत फैसला था कि शिलान्यास किया गया, उसे नुकसान उठाना। लेकिन यहाँ एक बात का फर्क है, बाबरी मस्जिद गिरने के वक्त नरसिम्हा राव की भूमिका को लेकर मणिशंकर अय्यर नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन राजीव गांधी की शिलान्यास में भूमिका को सिर्फ गलत बताते हैं। वो उस समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के तौर पर नहीं देखते, वो उसे गलत मानते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा है कि राजीव गांधी बहुत स्पष्ट, संवेदनशील और सबसे बेहतरीन लोगों में से थे। उन्होंने तो इस बात का भी जिक्र किया है कि राजीव गांधी की एक और बड़ी गलती थी कि जब 1984 में प्रधानमंत्री, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए, हालांकि उसमें उन्होंने एक बात की और सफाई दी है कि उन्हें सिख विरोधी दंगे कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सिख समुदाय ने उस समय कोई प्रतिरोध नहीं किया था। दंगे में दो पक्षों की भूमिका होती है, लेकिन उस समय सिखों ने कोई उस तरह से कोई कत्लेआम नहीं किया था। लेकिन उस पर माफी नहीं मांगी राजीव गांधी ने, तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी, ये भी एक बड़ी भूल थी। एक और सफाई उन्होंने दी है कि जब राजीव गांधी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी के असैसिनेशन और सिख विरोधी दंगों के बाद कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हालांकि उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तब तो उनका राजीव गांधी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है नहीं, जब धरती हिलती है तो बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो बड़े पेड़ कैसे गिरे, ये तो हिंदुस्तान की राजनीति इसका गवाह है। तो ये तीनों चारों बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्होंने राजीव गांधी के लिए कही, शिलान्यास की बात कि शिलान्यास करना उनकी गलती थी, और सिख विरोधी दंगों के लिए माफी नहीं मांगना भी उनकी भूल थी।
अक्सर मणिशंकर अय्यर को गांधी परिवार का और राजीव गांधी का विश्वस्त विश्वास पात्र माना जाता है, तो इस पर मणिशंकर अय्यर ने सफाई दी है कि मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी के कभी विश्वास पात्र नहीं रहे, वो कभी उनसे सलाह नहीं लेते थे, वो उन पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि वो उन्हें पॉलिटिकली इमेच्योर मानते थे, इमेच्योर मानते थे, राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व मानते थे, इसलिए राजीव गांधी ने कभी उनकी सलाह नहीं ली और वो उनके विश्वास पात्र नहीं थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने जोड़ा कि राजीव गांधी ने एक और बड़ी गलती की जब आर के धवन को पीएमओ में शामिल किया और वो पॉलिटिकल फैसले लेने लगे, जो एक बड़ा फैसला था और एक बड़ी गलती थी आर के धवन को पीएमओ में शामिल करना, या भूल के तौर पर उसको देखा जा सकता है, ये भी राजीव गांधी की बड़ी भूल मनमोहन सिंह ने कही। पाकिस्तान से उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। एक और जिक्र उन्होंने राजीव गांधी को लेकर कहा कि वो जिस तरह के संवेदनशील और ईमानदार व्यक्ति थे, उनमें वीपी सिंह, उनके जो साथ में सरकार में मंत्री रहे थे और बाद में प्रधानमंत्री बने बोफोर्स घोटाले के बाद, जांच को लेकर जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया, तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी में वीपी सिंह जैसी कुटिलता नहीं थी। राजीव गांधी की सरकार से जुड़ा हुआ एक और शख्स है जिसको लेकर चर्चा होती रही, वो मसला था शाहबानो केस का। उस वक्त आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे और उन्होंने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का विरोध किया था, लेकिन राजीव गांधी सरकार नहीं मानी और राजीव गांधी मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऐसा माना जाता है कि उनके दबाव में आ गए और शाहबानो के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। मणिशंकर ने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान जैसी चालाकी राजीव गांधी में नहीं थी। एक और मुद्दा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने लंबा समय गुजारा है, कंसुलेट रहे हैं वो वहाँ पर, उनके रिश्ते रहे हैं और वो पाकिस्तान के रिश्तों की तरफदारी हमेशा करते भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो अकेली ऐसी सरकार है, या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, बाकी हमेशा सभी प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला चलाया है और पाकिस्तान से बातचीत किए बिना ये जो मुद्दा है, ये जो मुश्किल है, ये जो विवाद है, वो कभी नहीं सुलझेगा। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत के बिना ये मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ सकता है। इस पर भी उन्होंने जोर देकर बात कही, हालांकि इसको तंज के तौर पर उन्होंने कहा कि जब कुछ लोगों ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको रुकवाने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका जो है वो अहम है और कुछ समय तक उस पर काफी काम हुआ है, तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकते वो यूक्रेन से युद्ध कराने की बात क्या करते। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को इन सब मुद्दों पर सहमति है जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है? क्या कांग्रेस मानती है कि राजीव गांधी ने गलती की थी शिलान्यास करवाकर, राम मंदिर का शिलान्यास करवाकर? क्या राजीव गांधी की यह ऐतिहासिक भूल थी कि उन्होंने सिख विरोधी दंगों के वक्त माफी नहीं मांगी और बल्कि कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? क्या कांग्रेस मानती है कि राजीव गांधी ने जो आर के धवन को पीएमओ में लेकर आए वो एक बड़ी भूल थी? और उससे भी बात बड़ी बात, क्या कांग्रेस या गांधी परिवार ये मानता है कि नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे या प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जो पंच कसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू की जो व्याख्या नरसिम्हा राव करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, तो क्या नरसिम्हा राव कांग्रेस के नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ये मानती? क्या वो इन रिश्तों पर, गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के जो रिश्ते रहे हैं उस पर कुछ सफाई देगी, या मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? मणिशंकर अय्यर को पहले भी पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, बार बार ऐसा होता रहा है कि नाराजगी बनी रही है गांधी परिवार की, लेकिन कार्यक्रम में जो बुक लॉन्च का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, तो इसलिए ज़्यादातर लोग या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि गांधी परिवार को उन ज़्यादातर मुद्दों से सहमति है जो मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में लिखा है या किताब के पहले हिस्से में लिखा है, जो पहली किताब आई, वो दो हिस्सों में अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, दूसरा हिस्सा आने वाला है, ये पहले 50 साल जिंदगी के उनके थे, उस पर इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी अगली किताब आएगी उसमें राजीव गांधी के साथ उनका जो काम काज है, राजीव गांधी के साथ जो उनका वक्त गुजरा है उस पर भी
विश्लेषण विस्तार से किया जाएगा और उसके बाद की जो सरकारें रही हैं या जो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स रही है उस पर भी चर्चा सेकंड वाले जो उनका किताब का अंक आएगा, किताब आएगी सेकंड, उसमें दूसरे अंक में दिखाया जाएगा या लिखा जाएगा। फिलहाल तो पहला पहला जो अंक आया है उनका, फर्स्ट जो आई है किताब मनमोजी की यादें, तो उससे कितना राजनीतिक हंगामा होगा और क्या आने वाले विधानसभा चुनावों या लोकसभा चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या अभी तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या वहाँ नरसिम्हा राव के लिए इस तरह की बात करने का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? क्या राजीव गांधी के राजनीतिक भूल मानना शिलान्यास को कांग्रेस के लिए कोई नुकसान का कारण हो सकता है? या फिर सिख विरोधी दंगों पर राजीव गांधी की माफी नहीं मांगने को भूल मानने से काम चल जाएगा, क्या उसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि हमने देखा जब भी दिल्ली में चुनाव होते हैं तो सिख विरोधी दंगों की बात आती है और कांग्रेस पर दबाव बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मणिशंकर अय्यर की किताब में, इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। जगन्नाथ की किताब है, जगन्नाथ पब्लिकेशन ने एक किताब रखी है, उस किताब में बहुत सारे हिंदुस्तान की राजनीति के और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों पर बहुत सारी चीज़ें आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे एक राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है, यह हलचल क्या तूफान में बदलेगी, क्या इसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है या फायदा हो सकता है, जो भी है, क्या इस सब के लिए कांग्रेस तैयार है और कांग्रेस की इसकी सहमति है, इस सब का जवाब शायद कांग्रेस वक्त आने पर दे, और वक्त शायद वक्त आने पर कांग्रेस को जवाब दे। खैर, ये तो आगे देखा जाएगा, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।